बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। माय नेम इज़ सजीद खान एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी। डियर व्यूअर्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट मेथड से आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट है उसके लिए सबसे पहले हमने कोडिंग करना होता है। हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम उसके लिए कोडिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग जो है वो हम आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कोडिंग सिखाएंगे, ठीक है, कि आपने कोडिंग किस तरीके से करना है, ठीक है। हमारा जो सेकंड स्टेप होगा कि कोडिंग को जनरेट करने के बाद हेक्स फाइल जनरेट होगा। वो हेक्स फाइल जो है वो फिर हमने इस एलईडी सर्किट को फ्यूटेस एट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में रन करेंगे और कोडिंग वहाँ पर एड करेंगे, ठीक है, आर्डिनो में। थर्ड स्टेप में हम जो टिंकर कैट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास फ्यूटेस एट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप टिंकर कैट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा कि फोर्थ स्टेप में हम प्रैक्टिकली आर्डिनो जो हार्डवेयर पार्ट से प्रैक्टिकली हम आर्डिनो के साथ एलईडी कनेक्ट करेंगे और उसको ब्लैंक करने के आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। हार्डवेयर के थ्रू भी हम इसको परफॉर्म करेंगे और टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर से भी हम इसको सिमुलेट करेंगे और साथ में इसकी कोडिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखने का, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हम एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट के लिए कोडिंग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग को डिज़ाइन करने के लिए आपको आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं अपने सिस्टम के आईडीई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये उसका स्क्रीन ओपन हो चुका है, ठीक है। अब कोडिंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट की जो कोडिंग है वो मैं आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जो ये शो हो रही है, ये वाइल्ड सेटअप और ये वाइल्ड लूप, ठीक है। तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड की वर्ड्स है, ठीक है। ये वाइल्ड सेटअप और ये लूप जो है ये बेसिकली फ्री डिफाइंड की वर्ड्स है, ठीक है। हम इसको फ्री डिफाइंड की वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो वाइल्ड सेटअप है तो यहाँ पर आपने अपने इनपुट और आउटपुट पिन्स को मेंशन करना होता है, ठीक है, कि हमारा कौन सा पिन जो है वो आउटपुट होगा आर्डिनो का और कौन सा जो है वो इनपुट होगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर इनपुट यानी ये जो वाइल्ड सेटअप है यहाँ पर आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है। नीचे भी आपको ये शोर है, पुट योर सेटअप कोड हियर, ठीक है। जो कोड आप रन करना चाहते हो यानी जो आपकी आउटपुट होगी तो वो यहाँ पर आपने इसको फुट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। वाइल्ड सेटअप जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके नीचे जो है मैं एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट के लिए सबसे पहले मैं आर्डिनो योनो से जो आउटपुट लूँगा एलईडी के लिए तो उसका पिन जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, पिन मोड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पिन मोड लिखूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो जो पिन मोड मैंने लिखा तो उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैं लिख रहा हूँ वो कलर चेंज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पिन मोड मैंने लिखा और इसके बाद जो है ब्रैकेट के अंदर जो है मैं अपना जो आउटपुट पिन है वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आउटपुट पिन जो है वो 13 है, मैंने 13 लिखा, इसके बाद कामा और कामा के बाद जो है मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने आउटपुट लिखा तो इसके बाद जो है मैं ब्रैकेट को क्लोज कर लूँगा और यहाँ पर एक सेमी कॉलन जो है इसके साथ ऐड कर लूँगा, ठीक है।
तो ये जो मैंने यहाँ पर ये राइट किया, तो हमारा जो 13 नंबर पिन है वो हमारा आउटपुट पिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उस पिन को मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये जो वाइल्ड लूप है इस के नीचे मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाइल्ड सेटअप में अपने वही चीज़ें आपने लिखनी है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जो रिपीटेड चीज़ें होते हैं तो आपने वही यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि डिजिटल राइट, डिजिटल, इसके बाद जो है WRIT, डिजिटल राइट। अब ये कलर जो है ये चेंज नहीं हुआ, यानी हमारे इस मैंने जो लिखा है इसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैंने ई को मिस किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने रॉन्ग लिखा है, तो इसलिए इसे आप देख सकते हो कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी अब हमारा जो जो मैंने लिखा वो ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है डिजिटल राइट आपने लिखना है, और शिफ्ट, इसके बाद जो है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आपने 13 लिखना है, कामा लिखना है, और जो 13 नंबर फिन है जो उसको आपने कौन से टाइम पे ये आपने हाई रखना है या लो रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो 13 नंबर फिन होगा तो वो हाई होगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमी कॉलन जो है एंटर किया। अब मैंने जो ये डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई लिखा, जो हमारा 13 नंबर पिन है वो हाई होगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं टाइम मेंशन करूँगा कि कौन से टाइम पे हमारा जो 13 नंबर पिन है वो हाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा और यह नीचे जो है मैं डिले लिखूँगा, ठीक है। डिले जो है हम इसलिए यहाँ पर टाइप करते हैं क्योंकि ये हमें वही टाइम मेंशन करता है कि कौन से टाइम पे हमारा जो पिन है वो हाई होगा, ठीक है। जो 13 नंबर फिन है कौन से टाइम पे वो हाई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिले लिखता हूँ, इसके बाद ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं 1000 लिखता हूँ, ठीक है, कि 1 सेकंड के लिए हमारा जो 13 नंबर फिन है वो हाई हो, ठीक है। अब ये 1000 मैंने क्यों लिखा है, इसके लिए मैं MS ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है माइक्रो सेकंड, ठीक है। माइक्रो सेकंड हमारे साथ बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइक्रो सेकंड के, ठीक है। अब ये जो माइक्रो है तो ये जो क्या है, ये 3 के बराबर है, और ये जो m है ये 10^-3 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 1000 की, यहाँ पर मैंने 1000 लिखा, यहाँ पर मैंने 1 मिली सेकेंड लिखा। इसके बाद जो है 1000 की जगह पर मैंने यहाँ पर 10^3 लिखा, और मिली की जगह पर मैंने 10^-3 लिखा, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड को मैंने अपनी जगह पर लिखा, ठीक है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे हमारे पास 1 सेकंड आता है, ठीक है। तो हमारा जो डिले है तो वो यहाँ पर मैंने 1000 लिखा, तो 1000 का मकसद ये कि 1 सेकंड के लिए ये जो आउटपुट होगा 13 नंबर पिन, तो ये 1 सेकंड के लिए हाई यानी ऑन होगा, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर डिजिटल लिखता हूँ, जैसे मैंने डिजिटल, और साथ में मैं इसके साथ राइट, डिजिटल राइट, तो डिजिटल राइट। इसके बाद जो है मैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जो है अब मैं वही 13 नंबर फिन लिखता हूँ, साथ में कामा, और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, सॉरी ब्रैकेट्स को क्लोज नहीं करूँगा, 13 कामा, और यहाँ पर अब मैं मेंशन करूँगा जो हमारा 13 नंबर फिन है, अब ये जो है ये लो होना चाहिए, यानी 13 नंबर फिन है ये लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेता हूँ और सेमी कॉलन टाइप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये डिजिटल राइट मैंने लिखा कि हमारा जो 13 नंबर फिन है ये लो होगा, अब कितने टाइम के लिए ये लो होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ डिले, अब यहाँ पर मैं अगेन डिले को एंटर करूँगा, अब मैं डिले को टाइप करता हूँ, ठीक है। डिले टाइप किया, अब यहाँ पर मैं अगेन 1000 लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने 1000 टाइप किया तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो 13 नंबर पिन है ये लो होगा, तो कितने टाइम के लिए ये लो होगा, तो ये 1 सेकंड के लिए लो होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा कि हमारा जो 13 नंबर पिन है वाइल्ड लूप में, ठीक है, तो वो 1 सेकंड के लिए हाई है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिले लिखा और 1000 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेमी कॉलन एंटर करना है, ठीक है, नीचे भी आपने सेमी कॉलन एंटर करना है, ठीक है।
तो ये जो है 13 नंबर पिन कब हाई होगा, एक सेकंड के लिए हाई होगा और एक सेकंड के लिए लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोड को टाइप करना है, ठीक है। आपने हमारा जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा अगेन समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले वाइल्ड सेटअप, ठीक है, और ये जो वाइल्ड लूप है ये क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम प्री डिफाइन की वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने सबसे पहले आउटपुट यहाँ पर, और ये जो वाइल्ड सेटअप है यहाँ पर आपने अपने आउटपुट आपने यहाँ पर मेंशन करना है, इनपुट और आउटपुट इस वाइल्ड सेटअप में आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो मैंने 13 नंबर पिन को आउटपुट मेंशन किया पिन मोड में, ठीक है, कि हमारा जो पिन मोड का 13 नंबर पिन है आउटपुट, ठीक है, तो वो आउटपुट पिन जो है वो 13 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे जो है वाइल्ड लूप में मैंने यहाँ पर लिखा कि डिजिटल राइट हमारा जो 13 नंबर पिन है वो हाई होगा, लेकिन कितने टाइम के लिए हाई होगा, तो वो 1000 यानी एक सेकंड के लिए हमारा जो 13 नंबर पिन है वो हाई होगा, ठीक है। अगेन मैंने लिखा कि जो 13 नंबर पिन मैंने हाई लिखा तो वो लो होना चाहिए, ठीक है। अब कौन से सेकंड के लिए, तो वो एक सेकंड के लिए लो होना चाहिए। ये जो कोडिंग मैंने की ये एलईडी ब्लैंकिंग सर्किट के लिए की है, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक सेकंड के लिए आपकी एलईडी ऑन हो जाती है, फिर एक सेकंड के बाद जो है आपकी एलईडी अप हो जाती है, और ये मुसलसल ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाइल्ड लूप में ये लिखा कि ये हमारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल कंटिन्यूस एक सेकंड के लिए एलईडी हाई हो, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका, इस तरीके से आप कोडिंग जो है वो राइट कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट यानी वेरीफाई करूँगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के बाद जो है ये आपसे मांग रहा है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एलईडी ब्लैंकिंग के नाम से मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, एलईडी ब्लैंकिंग, ठीक है। इसके बाद जो है आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कोडिंग है डन कंपाइलिंग, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कंपाइल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं अपने सिस्टम से फ्रूटियस एड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। फ्रूटियस एड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो है हम यहाँ पर इस फ्रूटियस में ही हम सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्रूटियस ओपन हो चुका है। इसके बाद जो है ये आप पिक डिवाइस है, ठीक है, आपने पिक डिवाइस पे टाइप करना है, और यहाँ पर आपने टाइप करना है आर्डिनो यूएनओ, ठीक है, आर्डिनो यूएनओ, ठीक है। जैसे मैं आर्डिनो यूएनओ टाइप किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर को आर्डिनो जो है वो शो है, ठीक है। आपने डबल क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है इसके साथ एक एलईडी, ठीक है, तो मैंने एलईडी यहाँ पर टाइप किया और साथ ही कलर मेंशन किया रेड, ठीक है। तो ये रेड कलर की एलईडी है, ये भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं सबसे पहले आर्डिनो को यहाँ पर वर्किंग एरिया में पेस्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, वर्किंग एरिया को मैंने जूम इन कर लिया और इसको मैं थोड़ा यहाँ से ये हमारा आर्डिनो जो है हमने इसको वर्किंग एरिया में पेस्ट किया है, ठीक है। इसके बाद जो इसके साथ मैं एलईडी कनेक्ट करूँगा, तो एलईडी को मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी ये रोटेट नहीं है, एलईडी को मैंने रोटेट किया। इसके बाद जो है मैं ये जो 13 नंबर पिन है ये आप देख सकते हो 13 नंबर पिन, इसको मैं एलईडी के एनोड यानी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और जो कैथोड साइड है इसके साथ प्लेस में मैं जाऊँगा, प्लेस में टर्मिनल, टर्मिनल के बाद जो है मैं यहाँ ग्राउंड सेलेक्ट करूँगा, और जो कैथोड साइड है उसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इस आर्डिनो में कोडिंग को पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो इस पे मैं साइड पे डबल क्लिक करूँगा और ये आप देख सकते हो यहाँ से मैं कोडिंग को अपलोड करूँगा। तो मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ, जो कंपाइलिंग डन हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा इसको यहाँ से राइट मूव करना है और यहाँ से ये जो कोड आपको नज़र, ये जो लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है।
तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगेन फुटेज में जाता हूँ और ये जो प्रोग्राम फाइल्स है यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक, इसके बाद जो है आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपने अपने जो सर्किट है इसको आपने रन करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका सर्किट जो है वो रन हो चुका है और एक सेकंड के बाद जो है आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो रही है और एक सेकंड के बाद जो है एलईडी जो है वो ऑफ हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये क्यों एक सेकंड के बाद ऑन और ऑफ हो रही है, क्योंकि हमने डिले जो है वो 1000 दिया था। ठीक है, और ये जो 13 नंबर पिन है ये हमारा आउटपुट था जो कि कोडिंग में भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो 13 नंबर पिन है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकंड के लिए हाई और एक सेकंड के लिए लो, तो बिल्कुल सेम ही प्रोसेस की वजह से वो एक सेकंड के लिए ऑन हो रही है और एक सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलईडी ब्लिंकिंग का जो सर्किट है वो फुटेज में आपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है और कोडिंग आपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर आपने करना है। ठीक है, ओके। अगर आपके पास फुटेज एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसके अलावा जो है आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेकेंड मेथड यही है कि हम इसको इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर जो है वो अब यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इंटरनेट इसके लिए लाजिमी होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के बगैर ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आप ये जो गूगल सर्च इंजन है यहाँ पर आपने टाइप करना है टैंकर कैट। ठीक है, जैसे आप टैंकर कैट टाइप करोगे तो आपने इसको यहाँ से सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वाला लिंक है तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर आपको साइन इन जो है वो आपको शो होगा। ठीक है, और आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, इसके बाद जो है आपने इसमें लॉग इन होना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो जस्ट मैं यहाँ से ये जो सर्किट है इस पर मैं क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है 3D डिज़ाइनर। ठीक है, अगर आप लोगो वगैरह यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी, अगर आपको लोगो की ज़रूरत है तो लोगो भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं सर्किट पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करूँगा तो आपको ये जो टैंकर कैट सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसकी जो टूल्स है इसको मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। ये जो सबसे पहला वाला टूल्स है ये रोटेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी कंपोनेंट को डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट का ऑप्शन है, ये रेडियो का अंडू का ऑप्शन है और ये रेडियो का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हो व्यू और हाइड का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टूल्स है। ये जूम, अगर आप इसको जूम करना चाहते हो तो ये टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इसकी कोडिंग का पोर्शन है। ठीक है, और ये इसका सिमुलेशन। ठीक है, अगर आप इसको आपने सर्किट डिज़ाइन किया इसके बाद जो है आप स्टार्ट सिमुलेशन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद ये एक्सपर्ट सर्किट है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बेसिक लेवल की सर्किट आप सीखना चाहते हो तो आपने बेसिक पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने बेसिक पे क्लिक करना है। ठीक है, बेसिक में ये आप देख सकते हो रजिस्टर है, LEDs है, फोटो सेंसर है। ठीक है, ये डिफरेंट है, बैटरीज है। ठीक है, सिंपल सर्किट आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं आल पे क्लिक कर लेता हूँ तो आल से आपको जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी सेंसर है, ये आप देख सकते हो LDR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, फिर सेंसर। ठीक है, इसके अलावा जो है टेम्परेचर सेंसर, गैस सेंसर, कीपैड, ये बहुत सारे जितने भी आप देख सकते हो LEDs है, लाइट है। ठीक है, तो ये PCB वगैरह ये जो है आपको शो हो रही है। ठीक है, DC मोटर्स, इसके अलावा जो है 7-segment डिस्प्ले, LCD और ये जो 4-2 बैटरीज। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रेड बोर्ड। ठीक है, और ये Arduino यूनो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मौजूद है। डिफरेंट टाइप्स के ICs होते हैं, 555 IC। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपके पास आपको फुटेज की भी ज़रूरत नहीं है, आपके जहन में बस सर्किट होना चाहिए, यहाँ पर आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हो और रन भी कर सकते हो कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है,
तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने सर्किट की तरफ आते हैं, तो हमारा जो सर्किट है इसके लिए मैं यहाँ सर्च पर टाइप करूँगा ARDU Arduino या ONO। ठीक है, जैसे मैं Arduino टाइप करूँगा तो यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा है, ये Arduino जो है आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस Arduino पे क्लिक करना है और फिर जो है मैं इस Arduino को इस वर्किंग एरिया में प्लेस करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने Arduino को यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, और ये जो Arduino का शेप है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, सारे पिन जो है बहुत क्लियरली आपको शो होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर LED टाइप करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने LED टाइप किया तो ये आप देख सकते हो LED भी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पर ही मैं अपनी LED को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपने सर्किट के कनेक्शन की तरफ आती है, तो सर्किट के कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे मैं LED की एक टर्मिनल पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ANOD। ठीक है, यानी ये LED की पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो हमने LED की जो पॉजिटिव साइड है वो हमने 13 नंबर पिन, हमारा जो आउटपुट था वो 13 नंबर पिन था। ठीक है, तो ये हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, इसके बाद जो है ये आपसे कलर मांग रहा है। ठीक है, कि आप अपने जो वायर्स है इसको आप कौन सा कलर देना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ तो ये रेड कलर यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है जो कैथोड साइड है LED की, तो वो मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्किट कनेक्शन है बिल्कुल ईजीली तरीके से ये कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये LED आप देख सकते हो इजीली इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अपने कोडिंग की ये जो साइड है कोडिंग का, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स, थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, एक है ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो आपको शो रहा है ये ऑलरेडी ये ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर भी ये कोडिंग की तरह ही होता है, ये यहाँ पर हाई लो वगैरह यहाँ पर भी गिवन है। ठीक है, तो इस ब्लॉक, अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो इस ब्लॉक के ज़रिए आप इस सर्किट को, आपने इस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है और जस्ट आपने स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करना है तो ये सर्किट रन हो जाएगा। अगर आप कोडिंग यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आपको कोडिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी IDE सॉफ्टवेयर में इसके लिए जो हमने कोडिंग की थी, तो वही कोडिंग जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दोनों कोडिंग प्लस ब्लॉक जो है आप दोनों करना चाहते हो तो आपने ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से ये रन होगा। ठीक है, जस्ट मैं कोडिंग के हवाले से इसको रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ से कोडिंग यानी ओनली टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो ये LED जो है एक सेकंड के लिए हाई होगी और एक सेकंड के लिए लो होगी। ठीक है, आप देख सकते हो LED बिल्कुल ब्लैंकिंग कर रही है, एक सेकंड के लिए ये LED जो है वो हाई हो रही है और एक सेकंड के लिए ये LED लो हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ईजीली तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। आप बिल्कुल जस्ट आपने सर्किट डायग्राम कनेक्शन करना है, इसके बाद आपने इसको रन करना है। ठीक है, अब मैं अगेन आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और जो टेक्स है, सॉरी सब इसके बाद जो है मैं इसको स्टॉप सिमुलेशन में क्लिक करूँगा, कोडिंग पे आऊँगा और यह जो टेक्स है इसको मैं ब्लॉक्स कर लेता हूँ। ठीक है, कि ब्लॉक्स पे ये रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद जो है मैं यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स पर भी रन होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोडिंग का इशू है तो वो इस ब्लॉक्स के ज़रिए भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक सेकंड के बाद LED हाई हो रही है, एक सेकंड के बाद LED लो हो रही है। ठीक है, अगर आप दोनों तरीक़ों से करना चाहते हो तो आपने स्टॉप सिमुलेशन पे क्लिक करना है और अगेन आपने आना है ब्लॉक प्लस टेक्स्ट। ठीक है, आपने यहीं पे क्लिक करना है, इसके बाद जो है आपने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है तो तब भी ये LED जो है एक सेकंड के लिए हाई होगी यानी एक सेकंड के लिए ऑन होगी और एक सेकंड के लिए ये लो यानी ऑफ होगी। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने तो LED ब्लैंकिंग का सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन किया, इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मैं इस टैंकर किट के थ्रू आप लोगों को सिखाऊंगा।
तो अपने थर्ड नंबर स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमारा जो थर्ड नंबर प्रैक्टिकली हार्डवेयर के थ्रू हम इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ब्लैंकिंग का जो सर्किट है प्रैक्टिकली उसका सिमुलेशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो एलईडी है जो कि हमने 13 और ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका 13 और ग्राउंड पिन है। ठीक है, ये एक इसका 13 नंबर और एक इसका ग्राउंड है। ठीक है, एनोड को हमने 13 नंबर पिन और ग्राउंड को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, एलईडी का, तो ये आप देख सकते हो एलईडी जो है वो एक सेकंड के लिए ऑफ हो रही है और एक सेकंड के लिए ऑन हो रही है। ठीक है, तो मैं अपने जो कैमरा है इसका जो फ्लैशलाइट है इसको ऑफ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो सके। ठीक है, ये जो एलईडी है ये एक सेकंड के लिए ऑन होगी और एक सेकंड के लिए ऑफ होगी, क्योंकि हमने जो कोडिंग में डिले दिया था तो वो हमने 1000 दिया था, इस वजह से ये 1 सेकंड के लिए ऑन होगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ अभी भी हो रही है, लेकिन मैं कैमरे का फ्लैशलाइट ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ।